तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम मुझे यहाँ पे सबमिट इनकम प्रूफ एंड गेट 2 लाख रुपए तक का आपका, अगर दोस्तों अगर आपने जैसे कोई ITR वगैरह अगर फाइल किया होगा तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। नहीं अगर डायरेक्ट अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे विदाउट देख सकते हैं विदाउट इनकम प्रूफ के आपको यहाँ पे 60,000 रुपये तक का आपको लोन मिल सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप कोई छोटा लोन लेना चाहते हैं, किसी से उधार नहीं मांगना चाहते हैं, तो दोस्तों लगे हाथ आपको 5 से 10 मिनट का कोई 5 से 10 मिनट के अंदर आपको 1,000-2,000 छोटा लोन अगर आप चाहिए तो आप छोटा लोन ले पाएंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपको कोई ब्याज भी नहीं देना होगा दोस्तों, आपको जो अगर इसमें एक टाइम मिल जाएगा 1 महीने का, आप 1 महीने में आप उसका जो पैसा है 1,000-2,000 जो आपने लोन लिया है उसका जो पेमेंट आप कर देंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा। बस आपको प्रोसेसिंग फीस जो 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये जो उसका ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं वही बस आपको देने रहेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में कैसे आपको लोन लेना है, उसका क्या स्टेप है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, उसका क्या प्रोसेस है फुल स्टेप आपको मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पर्सनल लोन अगर लेना चाहते तो मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपये तक का आपको लोन मिल सकता है, लेकिन दोस्तों वो आपका जो है आप जितना चाहें मिनिमम चाहेंगे तो 500 रुपये से लेकर के आप 10 लाख के बीच में जितना आप पैसा चाहेंगे आप अपने मन मुताबिक अपना लोन ले पाएंगे। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जब आप अपना इसमें गेट स्टार्टेड का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फाइनल मैं आपको ये बताऊँ ये एप्लीकेशन मनी व्यू का एप्लीकेशन है जो भरोसेमंद एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पे इस पर आपको मनी व्यू आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपको मनी व्यू का एप्लीकेशन लिख के सर्च कर लेना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको बस यहाँ पर गेट स्टार्टेड का बटन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे परमिशन जो है ये सारे परमिशन आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे एग्री का बटन है, आपको एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर इसके बाद से दोस्तों आपको परमिशन अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे अपना लोकेशन का जो परमिशन है इसको अलाउ कर देंगे, यहाँ सारे परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है बारी बारी से। अब इसके बाद से दोस्तों आपको सैमी परमिशन सर्विस SMS या इनेबल नाउ का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों सर्विस SMS आपका इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, बस आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद से दोस्तों आपको अपना यहाँ पे कंटिन्यू का बटन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखेंगे तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर आपको एंटर कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID एंटर कर लेना है। इतना करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर से आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाएगा आपका डेटा। तो अब दोस्तों जैसे आपका डेटा प्रोसेस हो जाता है, अब इसके बाद से दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपका OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, उसके बाद डेटा आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो अब दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पे आपका OTP वेरीफाई हो जाता है, अब इसके बाद से दोस्तों आपको कुछ सिंपल स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे आपको कुछ अपना डिटेल्स आपको देना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम यानी आपको अपना जो पैन कार्ड में जो भी नाम होगा पैन कार्ड के नाम के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना नाम इंटर कर लेना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद से दोस्तों आप कितना पढ़ाई किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो भी अगर ग्रेजुएट हैं या हाई स्कूल से हैं या फिर उससे नीचे के हैं आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है। जैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट पर क्लिक करिएगा। अगर दोस्तों अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको वो चूज कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करिएगा। अब इसके बाद से दोस्तों आपको मंथली इनकम आपको यहाँ पे टाइप कर लेना कि आप 1 महीने में कितना आप कमा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 1 महीने में आप 20,000 रुपये आप कमा लेते हैं या फिर 40,000-30,000 जो भी आपका इनकम होगा मंथली इनकम आपको वो टाइप कर लेना। जैसे कि मान लीजिए हम 30,000 रुपये हम यहाँ पे टाइप करते हैं, मंथली इनकम हमारा ये 30,000 रुपये है। अब इसके बाद से दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे गेट ऑफर्स पर आपको बस क्लिक कर देना है। इसके बाद से दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे आपका पिन कार्ड नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ये पिन कार्ड नंबर डिटेल फेच कर लिया जाएगा। यानी बस आपको बस अपना जैसे ही नाम अपना एंटर करेंगे वैसे ही आपका पिन कार्ड का डिटेल्स आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, पिन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन देना है, यहाँ पे येस दैट करेक्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर उसके वजह से क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक किया जा रहा है कि आप कितने रुपये तक का आप लोन लेने के काबिल हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद से दोस्तों कितना रुपये तक का लोन मिलना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपका डेटा प्रोसेस में है।
तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम मुझे यहाँ पे सबमिट इनकम प्रूफ एंड गेट 2 लाख रुपए तक का आप अगर दोस्तों अगर आपने जैसे कोई ITR वगैरह अगर फाइल किया होगा तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। नहीं अगर डायरेक्ट अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे विदाउट देख सकते हैं विदाउट इनकम प्रूफ के आपको यहाँ पे 60,000 रुपये तक का आपको लोन मिल सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है गेट लोन के बटन पर आपको क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैक्सिमम 60,000 रुपये तक का आपको लोन बिना इनकम प्रूफ के आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे गेट लोन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे डेटा डिटेल्स प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद से दोस्तों आपको EMI वगैरह चूज़ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप जितना भी EMI चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 60,000 रुपये तक का मैक्सिमम आपको लोन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप कम चाहते हैं जैसे कि आपको 5,000 का 2,000 का 4,000 का चाहिए जैसे कि देख सकते हैं अगर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मिनिमम आपको 10,000 रुपये तक का आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। 10,000 से 60,000 के बीच में जितना भी आप अपना चाहते हैं वो अपना लोन ले सकते हैं। और उसके बाद से दोस्तों आपको टर्म कितने टाइम का तक का चाहिए जैसे कि 12 महीने के लिए चाहिए 9 महीने के लिए चाहिए या फिर दोस्तों अगर आपको यहाँ पे और कम टाइम के लिए चाहिए चाहे 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए तो कितना EMI आपका बनेगा आपको वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 12 महीने के लिए अगर लेते हैं तो आपका EMI 1,000 रुपये पर मंथ आपको देना होगा यानी 1,005 रुपये पर मंथ आपको EMI देना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर 9 महीने के लिए अगर आप लेते हैं तो 1,284 रुपये पर मंथ आपको देना है एक साल के लिए यानी 9 महीने के लिए 1,284 रुपये आपको हर महीने आपको 1,284 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ अगर 6 महीने के लेते हैं तो आपको किस्त कितना पड़ेगा 1,846 रुपये का आपको किस्त पड़ेगा। अगर आप 4 महीने के ले लेते हैं तो 2,690 रुपये का आपको किस्त पड़ेगा। और यहीं पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस जो 767 रुपये का आपको लग रहा है बस आपको ये 767 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका ये पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आपको भेज दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों बस आपको क्या करना है कन्फर्म एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमने अपने 12 महीने के लिए हमने इसको चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड का बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ KYC करने होंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको KYC करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको बस अपना आधार कार्ड आपका डिटेल्स आपका मांगा जाएगा, उसमें आपका नाम पता वगैरह जो भी है वो सारे डिटेल्स आपको देखने को पड़ेंगे। और EMI ऑटो डेबिट पर अगर चाहिए तो ऑटो डेबिट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके बाद से अपने मन से पेमेंट भी कर सकेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको रिव्यू करना है, उसके बाद से एग्रीमेंट जो होता है उसको साइन करना होगा। उसके लिए आपको बस आपको कुछ करना रहे बस आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP आपको फिल करना रहेगा, ऑटोमेटिक वो डिटेच हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर वीडियो KYC करना है KYC करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है लेट्स गो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नया स्टेट आपको नया प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा, आपके फादर का नेम, आपका मदर का नेम। और उसके बाद से दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं यानी अगर आप रेंट वाले हाउस में रहते हैं या फिर आप अपना खुद का घर है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों आपको पर्पज आप लोन यानी आप किस लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं या कोई बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं या मार्केटिंग के लिए लेना चाहते हैं कुछ भी जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम बिजनेस के पर्पज से लोन लेना चाहते हैं तो हम बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद से दोस्तों आपको कैटेगरी आपको चूज करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC हैं OBC हैं ST हैं क्या है आपको वो चूज़ कर लेना है। अब इसके बाद से दोस्तों आप क्या करना है लैंग्वेज प्रिफर्ड कॉलिंग आपको क्या जैसे कि अगर कोई अगर आपको कॉल करेगा तो किस भाषा में बात करेगा तो यहाँ पे अपना भाषा चूज कर लीजिएगा हिंदी में। अब इसके बाद से दोस्तों आपको बस क्या करना है कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों सारा डिटेल फिल करने के बाद से दोस्तों आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका यह डेटा आपका प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद से दोस्तों आपको अपना बिजनेस का नाम देना होगा कि आप क्या काम करते हैं, अपना जो आपका जो बिजनेस का क्या नाम है वो आपको डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए हम जनसेवा चलाते हैं तो हम ये लिख देते हैं हम इस्माइल जनसेवा केंद्र, ये हम लिख देते हैं बिजनेस का नाम डाल दिया है। अब इसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस आपको जो भी अपना एड्रेस है जो बिजनेस जहाँ पर भी आपका इस्टेब्लिश है वो आपका एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से आपको पिन कोड उस एरिया का डाल देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे आपको बिजनेस स्पेस में आपको आप बताना पड़ेगा कि आप भाड़े पे रहते हैं यानी रेंट पे रहते हैं या फिर आपका खुद का मकान है या फिर खुद का दुकान है जो भी शॉप है आपको चूज कर लेना है। जैसे कि आपका है तो खुद का है तो ओन पे चूज
कुछ करेंगे। अब इसके बाद से दोस्तों एनुअल सेल्स आपको बताना है कि कितना आप अपने बिजनेस में सेल कर लेते हैं एक साल में। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम इतना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे सोल प्रॉपर यहाँ पे आपको बताना है मालिकाना हक किसका है। अगर आप आपका खुद है, खुद का है, तो आप सोल प्रोपराइटरशिप में आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद से दोस्तों इंडस्ट्री में आपको क्या चीज़ से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं किस काम किस रिलेटेड आपका बिजनेस किस से रिलेटेड आपका बिजनेस है आपको ये चूज करना है। यहाँ पे आपको जैसे फर्नीचर का काम करते हैं या फिर फोटोग्राफी का काम करते हैं या फिर कोई और काम है, जो भी आपका काम है वो चीज़ आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद से नेचर आप बिजनेस पे आपको क्या किस तरीके का बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है या होलसेल बिजनेस है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे बिजनेस का कितना दिन हो गया है आपको बिजनेस करते हुए, आपको न्यू बिजनेस है या फिर लेस देन आपका यानी लेस आपका दो साल से कम है या फिर क्या है, क्या आपके पास जीएसटी वगैरह है या नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे नहीं आप नो सेलेक्ट कर लीजिए अगर जीएसटी नहीं है। अगर आपके ऊपर उद्यम सर्टिफिकेट है कि नहीं है वो भी आपको चूज करना है। तो आप जैसे अगर होगा तो येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे। अब इसके बाद से दोस्तों आपको कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद से दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपका डेटा वेरीफाई होगा। अब इसके बाद से दोस्तों क्या करना है, बस आपको केवाईसी करना है। यहाँ पे केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड के अगर आपका आधार कार्ड लिंक होगा आपके मोबाइल से तो बस आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद से दोस्तों आपका केवाईसी डन हो जाएगा। जैसे केवाईसी डन होता है उसके बाद से दोस्तों आपको सबमिट करने का बटन आ जाएगा, आपको वहाँ पर बस आपको बस सबमिट करना है। सबमिट करते ही दोस्तों उसके बाद से दोस्तों आपको नेक्स्ट आपके जो है आपके 10 से 15 मिनट के यानी एक आध घंटे के अंदर आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, यानी आपको बैंक अकाउंट के लिए आपको जो पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना पैसा अपना जो लोन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। विदाउट इनकम प्रूफ के आप चाहेंगे तो निकल जाएगा, जितना भी आप चाहेंगे अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।